बारिश के दिनों में अक्सर अडेनियम मर जाते हैं, अडेनियम गल जाते हैं, और जब तक पता चलता है जब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और हमारा अडेनियम पूरा का पूरा गल जाता है। पहले से कैसे पता चले कि हमारा अडेनियम गलने वाला है या अभी गलना शुरू हो चुका है? तो चलते हैं साथियों। हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चार दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है और धूप बहुत तेज़ी से चार दिन से निकल रही है और सारी सॉइल जो थी वो गमलों की सूख चुकी है। और ऐसे में अडेनियम को चेक करना चाहिए जब बारिशें बंद हो जाएं और धूप निकलने लगे, तब पता चलता है कि अडेनियम कौन सा अडेनियम मेरा ख़राब हुआ है बारिश की वजह से या ओवरडोज खाद पड़ गई है उस वजह से। तो इस तरीके से अडेनियम को बारिश के बाद जब धूप निकलती है तभी पता चलता है कि अडेनियम रूट रोट हो गया है या सही चल रहे हैं। तो सारे अडेनियम मेरे साथियों बेहतरीन किस्म के चल रहे हैं। बस एक अडेनियम में ये मेरे था यहाँ से और ये बैक साइड में था पहले रखा हुआ, तो मेरी निगाह इसके ऊपर पड़ गई तो ये ब्रांच पूरी करीब 4-5 इंच की ये चार पाँच इंच की ब्रांच जो थी वो गलने लगी थी। और जो देखा इसके लीव्स वगैरह भी झुके हुए थे तो मैंने इसको जल्दी से सीधा करके और इसकी ब्रांच को काट दिया और काट के इसको फंगस लगा के, और उस दिन धूप निकल रही थी तो धूप में ही रखा रह दिया मैंने। तो इसको लगभग 3 दिन हो गए हैं, अब ये बिल्कुल सही हो गए, सूख चुका है। अब अगर बारिश पड़ती है तो ये वाली कटिंग यहाँ से की फंगीसाइड भी लगी हुई है और ये ब्रांच भी सूख चुकी है। तो इस तरीके से एक एक अडेनियम को बारिश के बाद जब धूप निकल आए तब उसके कोडेस को चेक करना चाहिए। देखिए ये ब्रांच झुक रही है, अब ये ब्रांच झुक रही है लेकिन इसके लीफ जो हैं वो खड़े हैं बिल्कुल, और किसी किस्म का नुकसान नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पतली है, बहुत ज़्यादा लगी हो गई है, इस वजह से ये नीचे को पत्तों को वजन से झुक रही है। तो इस तरीके से सारे कोडेस को जब धूप निकल आए तब चेक करना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि कौन सा अडेनियम हमारा रूट रोट हुआ है या गल रहा है, तो अंदाज़ा लग जाता है। अगर सही सब अडेनियम सही हैं तो आपको कोई ख़तरा किसी किस्म का नहीं है। और इस अब जैसे ये ब्रांचे हैं देखिए, आप ये लेगी की वजह से ये झुक रही हैं इस तरीके से, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ लेगी हो गई हैं, पतली हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि धूप जो निकल रही है उसकी वजह से ये जो इनके पोट हैं वो भी सूख चुके हैं, तो इसको पानी की कमी महसूस हो रही क्योंकि ठंड में रहें, ये बारिश पड़ती रही मुस्तकिल 8-8 घंटे हमारे यहाँ बारिश पड़ी है लगातार, उसकी वजह से ये ब्रांचें देखिए इस तरीके से लेगी होके झुकने लगी हैं, लेकिन इसके लीफ जो हैं बिल्कुल खड़े हैं, तो इसके मतलब अडेनियम सेफ है। तो इस तरीके से आप एक एक अडेनियम को चेक करें। और देखिए ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये इसके लीफ जो हैं सही नहीं खड़े हैं, ये प्लांट देखिए आप सारी की सारी ब्रांचें झुक गई हैं, इसके लीफ जो थे इस तरीके से ऊपर को सीधे हो गए हैं और ये कुछ मुलायम सा हो गया है अडेनियम। तो ज़रूर इस अडेनियम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो साथियों इसको उठाकर देखते हैं और इसको चेक करते हैं अच्छी तरीके से कि इस अडेनियम में मेरे कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है, और इसको चेक करेंगे। देखिए अब इस अडेनियम को चेक करते हैं, देखिए ये इस तरीके की ब्रांचें लटक गई हैं, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल मुलायम हो रही हैं, तो इस अडेनियम में ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, इसके रूट रोट हुआ है ये, और देखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखिए कोडेस भी यहाँ से तो सही लग रहा है, ये भी सही है, ये देखिए ये थोड़ा सा मुलायम हो रहा है, हाँ ये देखिए यहाँ से ये काफ़ी मुलायम है। तो इसको साथियों इस तरीके से निकाल के देखते हैं, ये देखिए ये काला पड़ गया है, ये काला पड़ गया है, देखिए क्या बेहतरीन किस्म की पहचान है कि जब ये लीव्स गिर रहे हैं इसके मतलब अडेनियम रूट रोट हो गया है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये निकाला है तो ये देखिए ये सब रूट रोट निकल गया है, ये इसकी पहचान है, और बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान दे दिया कि इसके ब्रांचें क्यों गिर रही हैं, सारे अडेनियम खड़े हैं और इसकी ब्रांचें क्यों गिर रही हैं, तो उसकी शायद ये देखिए बिल्कुल साफ पहचान निकली है कि अडेनियम रूट रोट हो रहा है। अब इस तरीके से आप
एडेनियम को चेक करें और उसके बाद में इसको निकालते हैं, सॉइल से देखते हैं कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है, क्या दोबारा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो साथियों इस तरीके से अपनी सॉइल से इसको बाहर निकाल लें। अगर किसी एडेनियम में आपके इस तरीके का प्रॉब्लम हो और आप इसको चेक करते रहें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमारे एडेनियम में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको अच्छी तरीके से आप चेक कर लें। बड़े देखिए रूट भरे पड़े हुए हैं और बहुत अच्छा एडेनियम सर्वाइव कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी हुई है, काफ़ी रूट टाइट भी हैं इसके, लेकिन सिर्फ ये एक रूट जो है ये गला हुआ है, ये देखिए। अब इसको हमने अच्छी तरीके से इसकी सफाई करनी है। पहले तो इसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई कर लें आप इसकी सॉइल को, क्योंकि मैंने इस टाइम पे धोना नहीं है इसको। ये देखिए कितनी जबरदस्त किस्म का ये गला हुआ है, ये बिल्कुल काला हो रहा है ये पूरा, ये देखिए ये वाली रूट गल गई है। अब इसको साथियों हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी अगर आप चाहें आपके पास हो तो कर लें, और डिटॉल से भी हो जाता है, लेकिन हम ज़्यादातर आजकल मेरे पास हम काफ़ी दिन से नहीं आए हैं तो हम लाइटर से ही इसको सैनिटाइज कर लेते हैं छुरी को, और ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों देखते हैं निकाल के कहाँ तक इसको सही है और कहाँ से गड़बड़ है। और इसको निकाल देते हैं, देखो ये बिल्कुल गली हुई निकली है, ये वाली रूट तो सही लग रही है, सिर्फ इसका यहाँ से ही ट्रीटमेंट का मुझे करना होगा। बिल्कुल जो काला हिस्सा है वो सारा निकालना पड़ेगा, जहां तक काला हिस्सा दिखाई दे वो सब कुछ निकालते हैं आप। ये वाली भी रूट बेकार है तो इसको भी निकालते हैं। बहुत अच्छा कोडेस का शेप शक्ल इसका था और बहुत प्यारा एडेनियम लग रहा था, लेकिन ये रूट रोट हो गया। ये वाली भी रूट इसकी गली हुई है तो इसको भी निकाल लेंगे। देखिए धीरे धीरे कहाँ तक जा रहा था और ये सब गलता हुआ चला जा रहा था, ऊपर को बढ़ता चला जा रहा था। अगर एक दो दिन और रुक जाते और इसको न चेक करते तो ये बिल्कुल हमें जरा सा भी नहीं मिलता, सबके सब गल गया होता ये। अब ये थोड़ा बहुत मुझे कोडेस का मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप अंदर तक से इसको ये काले कट जो हिस्सा हो गया है वो सारा का सारा निकालना पड़ेगा। ये देखिए अब ये साफ हो चुका है और अब इसमें काला हिस्सा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए साथियों ये रूट सारे निकाल दिए हमने और ये रूट इसके बिल्कुल सही हैं, इन्हीं रूटों पर ये सरवाइव हो जाएगा और इतना गाड़ देंगे तो ये भी यहाँ से भी नए रूट निकल आएंगे। अब इसके अंदर किस तरीके से करना है कि साथियों ये फंगीसाइड लिया है मैंने, ये साफ फंगीसाइड है और इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। तो पहले इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा पानी डाल के सूखा लगाने से छूट जाता है
और थोड़ी देर में जब सूखेगा कॉडेस तो ये भी छूट जाएगा साथ में और इसकी पपड़ी बन के उचल जाती है। तो हल्का सा गीला कर लें और गीला करने के बाद में ये सारा आप इसके अंदर ये जो अंदर जख्म है इसके सारे इसमें भर दें। फंगीसाइड इस तरीके से लगाएं कि कहीं भी जरा सा हिस्सा छूटे ना। बहुत सही टाइम पर ये पता इसका चल गया है और नहीं तो ये पूरा ही गल जाता एक आध दिन में और पता ही नहीं चलता। ये इसकी पहचान है कि जब धूप निकलती है तभी इसकी पहचान हो पाती है, क्योंकि जब तक बारिश होती रहती है तब तक तो आपको सारे लीव्स खड़े दिखाई देंगे, सारी ब्रांचें भी खड़ी दिखाई देंगी। जैसी धूप निकलती है और धूप में एडेनियम की जो सॉइल सूखती है तब ये एडेनियम जो रूट रूट हो चुका है तब ये अपना रंग दिखाता है कि हम रूट रूट हो चुके हैं और इसके जो ब्रांचें हैं ये गिरने लगती हैं और ऊपर से लीव्स जो हैं इस तरीके से चिपकने लगते हैं और पौधा बेजान टाइप का ऐसे हो जाता है। ये देखिए ढीला, बिल्कुल ढीला पौधा हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है। अब इसमें ये अच्छी तरीके से हमने फंगीसाइड लगा दिया है। अब इस फंगीसाइड लगे हुए एडेनियम को हमने शेड के अंदर 3-4 दिन तक सुखाना है और 3-4 दिन के बाद इसकी सॉइल भी चेंज कर देंगे हम, कि पता नहीं सॉइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है और या ये डैनिज होल इसका बंद हो गया था किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर रूट भी जी काफ़ी ढेर से कटे हुए निकले हैं तो हो सकता है कि ये इसके अंदर पानी ठहर गया हो और इस वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन हम इसकी सॉइल चेंज कर देंगे क्योंकि इसमें फंगस का असर हो चुका है। अब दूसरी सॉइल में हम इसको लगाकर और फिर इसको जैसे कि अभी 3-4 दिन तक तो ये सूखेगा, ये जख्म इसका सारा जब सूख जाएगा ऊपर से एक पपड़ी बन जाएगी तब इसके ऊपर पानी ज़्यादा असर नहीं करेगा और इसको हम जब ये सूखने के बाद में रिपोर्ट कर देंगे और रिपोर्ट करने के बाद भी हम कम से कम 15-20 दिन तक शेड में ही रखेंगे ताकि इसको धूप नहीं दिखाएंगे और ना ही इसको बारिश दिखाएंगे, तब ये जाके सर्वाइव करेगा। इस टाइम पे एडेनियम की खासतौर से कटे हुए एडेनियम की जो है बड़ी एहतियात से रिपोर्टिंग करी जाती है और तभी वो सर्वाइव करता है। अगर हमने इसको धूप में रख दिया या बारिश में रख दिया तो 100% ये ग्रो नहीं करेगा और गल जाएगा पूरा। तो इसको बहुत एहतियाती से आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी किस्म का बारिश का अटैक ना हो और कोई पानी ना पड़ पाए इसके अंदर। बस सॉइल जितनी हल्की सी मॉइस्चर होगा सॉइल में बस वो उतने ही में ही काम हो जाएगा और सूख भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सरवाइव कर जाएगा। और ज़रा सा पानी छुड़ गया बारिश का या फुहार भी पड़ गई इसके ऊपर तब भी इसका काम हो जाएगा, जब तक इसके रूट ना निकल जाए, ये दोबारा से खड़ा ना हो जाए, क्योंकि ये रूट जो है इसको खड़ा कर देंगे। मुझे अंदाज़ा है कि ये रूट बिल्कुल सही है और कामयाब है, ये इसको बहुत जल्दी कामयाब कर देंगे। तो साथियों अब इसको उठाकर हम देखिए कहाँ रखते हैं। हम ये शेड है हमारा, हम ममटी है और इस ममटी में हम इस तरीके से लटका देंगे इसको। ये नीचे को लटका रहेगा और ये ऐसे ही रखा रहेगा और इसके ऊपर हम किसी किस्म का वजन वगैरह रख देंगे ताकि ये नीचे ना गिरे। ये इस तरीके से ये डब्बा रख दिया मैंने इसके ऊपर और ये ऐसे ही लटका और यहाँ पर सूखता रहेगा। अब ये 3 दिन तक ऐसे ही सूखेगा, जब इसका जख्म सूख जाएगा बिल्कुल तब हम इसे रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।